नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। गणेश उत्सव की मची है धूम, श्रद्धालु कर रहे हैं बापा के मनोभाव से पूजा। रमाबाई मुक्ति मिशन के दो केयर टेकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाल अधिनियम कलम 23 के तहत की गई कार्रवाई। ज्वेलर्स को झांसा देकर ठगों ने उड़ाया 60,000 रुपयों का सोना। और कलमबोली में लगी एक गोडाउन में आग, 8 दमकल की गाड़ियों का आग बुझाने का प्रयास। समूचे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शुक्रवार को हमारे टीम ने कामोटा के विभिन्न पंडालों का दौरा किया। आइए दर्शन कर लेते हैं बाप्पा के। देश भर में गणेश चतुर्थी के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। वैसे तो गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, लेकिन देश के अन्य जगहों में भी इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मंदिरों में एवं पंडालों में गणपति की विशाल और आकर्षक मूर्तियां सजाई जाती है। महाराष्ट्र में हर पंडालों में तथा घर घर में गणेश मूर्ति की स्थापना की गई है। आइए हम आपको गणेश जी के दर्शन करवाते हैं। इस साल कामोटा शहर में बड़े पैमाने पर गणेश जी की स्थापना की गई है। इस साल कामोटा में गणेश जी के रूप में राजा के दर्शन हो रहे हैं। वही सकाराम पाटिल विकास मंडल द्वारा भी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। इस मंडल के अध्यक्ष तथा शेखापक्ष के तालुका सह सचिव सकाराम पाटिल ने गणेश भक्तों को शुभकामनाएं दी। शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने सकाराम पाटिल सामाजिक विकास यांच्या वतीने कामोट्याच्या सर्व जनतेला गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। गणरायकडे एकच मागणी करतो, महागाई कमी व्हावी हे साकरण करतो। कुडावे गाव में वाले प्रशांत ठोंबरे द्वारा प्रस्तुत फुलेनी दुर्वा बाहु गणेशाला इस ऑडियो सीडी का विमोचन विधायक विवेक पाटिल के हाथों शुक्रवार को किया गया। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने प्रशांत ठोंबरे को आगामी सफर के लिए शुभकामनाएं दी। कुड़ावे गांव में रहने वाला प्रशांत ठोंबरे एक ऐसा कलाकार जिसे संगीत के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। बचपन से संगीत में रुचि रखने वाले प्रशांत ने अपनी माँ स्वर्गीय अनुसया ठोंबरे के स्मरण में मोरिया प्रतिष्ठान कुड़ावे द्वारा फुलेनी दुर्वा बाहु गणेशाला इस मराठी गानों की सीडी का निर्माण किया है, जिसका विमोचन शुक्रवार को विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। पनवेल पार्टी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, शेखापक्ष के तालुका सचिव नारायण घरत, गायक प्रशांत ठोंबरे, राहुल सोनावने, लक्ष्मीकांत ठाकुर, संतोष भोपी, प्रमोद भोपी, राजाराम कोंडिलकर, कृष्णा पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने प्रशांत ठोंबरे की सराहना करते हुए कहा कि एक ग्रामीण विभाग के युवा ने एक नए व्यवसाय में कदम रखा है, जो वाकई काबिले तारीफ है। कलमबोली स्थित आर्चिव प्राइवेट लिमिटेड गोडाउन में शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे के दौरान अचानक आग लगी। इस आग ने देखते देखते इतना रौद्र रूप धारण कर लिया कि दमकल की गाड़ियां भी इस आग के सामने कम पड़ी। कलमबोली स्थित आर्चिव प्राइवेट लिमिटेड गोडाउन है। इस गोडाउन में भारत में जितने भी बैंक है उसके दस्तावेज इस गोडाउन में रखे जाते हैं। शुक्रवार को इस गोडाउन के गाला नंबर 5 में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और देखते ही देखते आग ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। इस गोडाउन में 35 कामगार कार्यरत है, जिन्हें समय के रहते बाहर निकाला गया। आग की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां एवं पुलिस घटनास्थल पर दाखिल हुई और आग पर काबू लाने का प्रयास किया जाने लगा, मगर आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। पनवेल, कलमबोली तथा नवी मुंबई आदि जगहों से 8 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का कार्य कर रही थी। इस पूरे घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी ने हमारे प्रतिनिधि को विस्तृत जानकारी दी। करीब करीब 11 सुमाराची घटना घडलेली। माझं इथं कॉन्ट्रॅक्ट चालतोय, लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आणि फोर्कलिफ्ट कंटेनर भरायचे, कापूसचे कंटेनर लागलेले तिथं। त्याचं काम चालू आहे सकाळी 9 वाजल्यापासून आणि त्याच्या बाजूला नेक्स्ट कंपनी आहे। तर मी जेव्हा गोडाऊनच्या आतमध्ये आलो त्यावेळेस मला अचानक वरती धूर दिसला, तिथे एवढा मोठा धुराचा लोटा कशामुळं आलेला आहे। त्यामुळे मी थोडा पुढं बघायला आलो, बघितलं तर काही लोकांनी सांगितलं कंपनीच्या की इथं आग लागलेली आहे। तर ताबडतोब मी CCIचे मॅनेजर त्यांना मी अर्जंटली कॉल केला आणि त्यांना सांगितलं की साहेब असं आपल्या CCI गोडाऊनला आग लागलेली आहे, तुम्ही ताबडतोब इथे या। आणि ताबडतोब त्यावेळेस थोड्या वेळेला ताबडतोब पोलीस लोक आले। पोलीस लोक आल्यानंतर बऱ्याच टायमाने नंतर फायर ब्रिगेडला आले। तेव्हापासून आत्तापर्यंत
आग विझवण्याचं काम चालू आहे. न्यास कंपनी म्हणजे नव भारत ॲक्सेस कंपनी अशी या ठिकाणी आहे आणि ते बँकेच्या फायली जे बँकेचे लोक लोन घेतात आणि लोन घेतात त्याच्या फायली यांच्याकडं म्हणजे ठेवण्यासाठी देतात स्टॉक. ज्यावेळेस जेव्हा फाईल ओपन करायची झाली त्यावेळेस या कंपनीकडनं जे बँका फायली मागून घेतात ह्या ज्या लोकांनी लोन घेतलेले आहेत त्या फायली या ठिकाणी ठेवलेली आहे. सर कामगार कोणी आहे त्याला इंजुरी झालेली आहे का? नाही, कामगाराला कुठल्याही इंजुरी झालेली नाही आणि कुठल्याही प्रकारची हानी झालेली नाही. आतापर्यंत किती गाड्या लागल्या फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड लय लूज आहे त्याच्यामुळे आज एवढे लवकर का अटकत आले. आम्ही तर स्वतः बघायला होतो, पोलीस लोकही होते, इथले सब इन्स्पेक्टर कांबे साहेब होते, त्यांनी बघितलं का फायर ब्रिगेडचं इथं या ठिकाणी बरोबर व्यवस्था झाली. नगरसेविका कल्पना राउत के प्रयासों से पनवेल स्थित पायनियर विभाग में हाइमा स्ट्रीट लाइट लगाई गई है जिसका उद्घाटन बुधवार को नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया. नगरसेविका कल्पना राउत के प्रयासों से पनवेल स्थित पायनियर विभाग में हाइमा स्ट्रीट लाइट लगाई गई है जिसका उद्घाटन बुधवार को नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया. इस अवसर पर बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बालासाहेब पाटिल, नगरसेवक प्रदीप जाधव, नगरसेविका कल्पना राउत, बीजेपी के युवा नेता विक्रांत पाटिल आदि गणमान्य सहित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे. इस अवसर पर बालासाहेब पाटिल ने इस हायमास के बारे में जानकारी दी. या ठिकाणी आज गणरायाचं आगमन होत आहे आणि त्याच्या पूर्व संध्येलाच एक अतिशय चांगला उपक्रम या ठिकाणी घेतला गेला आणि या ठिकाणी आपले लाडके नगराध्यक्ष संदीपजी पाटील यांच्या हस्ते आपल्या कल्पना राऊत या ठिकाणच्या नगरसेविका यांच्या प्रयत्नांनी प्रदीप जाधव नगरसेवक त्याचप्रमाणे नगरपालिकेचे भंडारी साहेब या सगळ्यांच्या सहकार्यांनी अतिशय चांगला उपक्रम या ठिकाणी राबला जातो आहे. या ठिकाणी बऱ्याच दिवसापासून या विभागात हैमासची मागणी होती. या ठिकाणी हा नाका फार मोठा आहे. आत्ता आपण बघताय की किती मोठी रहदारी या ठिकाणी आहे. रात्रभरापर्यंत उशिरापर्यंत या ठिकाणी अशीच रहदारी चालू असते आणि ही चालू असताना या ठिकाणी बऱ्याच वेळेला मंगळसूत्र चोरीला जाणं, चैन इथनं खेचण्याचे प्रकार होणं असे अनेक प्रकार या ठिकाणी घडत होते आणि म्हणून इथल्या नागरिकांची एक इच्छा होती की या ठिकाणी एक चांगला लग्न प्रकाशित रात्री दिवे असावेत आणि त्या निमित्तानं या ठिकाणी आमच्या विभागाच्या मागणीनुसार आमच्या या नगरसेविका कल्पना राऊत यांनी हा अतिशय परिश्रमातून नगरपालिकेच्या माध्यमातून आता नगराशी या ठिकाणी नव्याने आमच्या आलेल्या संदीपजी पाटील या सगळ्यांच्या सहकार्याने या ठिकाणी एक आपण हैमास बसवायचं असं ठरलं आणि मला असं वाटतं की अनेक हैमास आम्ही या ठिकाणी बसवतोय की ज्या ज्या ठिकाणी असे प्रॉब्लेम्स आहेत, ज्या ज्या ठिकाणी असा अंधार आहे, ज्या ज्या ठिकाणी असे चौक आहेत, अनेक ठिकाणी नगरपालिकेच्या माध्यमातून आपण बसवलेले आहेत. वही संदीप पाटील ने अपने भाषण में जनता से ये आह्वान किया है कि जहाँ जहाँ भी नागरिकों को लगे कि हाइमास की जरूरत है तो वो अपनी समस्या नगरपालिका के सामने रखे, उनकी समस्या शत प्रतिशत सुलझाई जाएगी. नगरपालिकेच्या माध्यमातून स्थानिक नगरसेविका राऊत मॅडम, प्रदीप जाधव साहेब आणि इतर नागरिकांच्या मागणीवरून ठिकठिकाणी मिनी हाइवास बसवेत अशी मागणी आली होती आणि ताबडतोब ती मागणी या दोघांच्या प्रयत्नाने इथे आज ती आम्ही पूर्ण केलेली आहे. आज आता जसे बाळासाहेब सांगितलं त्यांनी या चौकामध्ये आम्ही इथं प्लेन स्नॅचिंगचे प्रकार पनवेल शहरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी होत असतील ते रोखण्याचा आम्ही परिपूर्ण प्रयत्न करत आहोत आणि त्यातलाच एक भाग म्हणून या ठिकाणी आता हे आम्ही मिनी हैमास इथं बसवलेले आहेत. दिवाळीपर्यंत अजून असे 8 ते 10 मिनी हैमास जिथं जिथं नागरिकांच्या मागणी येतील त्यानुसार बसवायचा आमचा मानस आहे. पनवेल एसटी स्टँडवरील आता ब्रिजचं काम चालू आहे, तिथं जो मोठा हैमास आहे तो देखील काढून आता आम्ही पंचरत्न सर्कल जो आहे त्या सर्कलमध्ये बसवायचा आता गणपतीनंतर ताबडतोब आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. मी सर्वांना नागरिकांना देखील विनंती करेन की जर अशी कुठे आवश्यकता असेल त्यानुसार सूचना केल्यानुसार आम्ही त्या त्वरित त्याच्यात अंमलात आणू असं करू. गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर उद्घाटन किए गए इस हाइमास से पायनियर विभाग के नागरिक काफी खुश है. मानवता एक बार फिर शर्मिंदा हो गई. हमारे समाज के सरमायादार किस प्रकार मानव की सेवा कर रहे हैं ये जानकर आपका मन खिंच उठेगा. जॉब पहुंच चुके हैं सलाखों के पीछे. देखते खबर विस्तार से. बृहस्पतिवार को सुबह 3 बजे के दरमियान 8 बच्चे नेहरू स्टेशन के करीब घूमते हुए पुलिस को मिले थे. ये सभी बच्चे 5 साल से लेकर 12 वर्ष के बीच के थे. हम आपको बता दें कि ये सभी बालकाए हैं. इन बच्चों से जब पुलिस ने पूछताछ की तब इन बच्चों ने अपने साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार की बात बताई. पुलिस ने इन बच्चों में से 7 बच्चों का मेडिकल चेकअप करवाया. उसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
साथ ही आश्रम में मौजूद चार बच्चों को भी पुलिस थाने लाया गया। पकड़े गए आरोपी रमाबाई मुक्ति मिशन के केयरटेकर थे। पकड़े गए आरोपियों का नाम है सतीश पागी तथा अनिता पागी। बच्चों ने सतीश पागी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस प्रकार एक के बाद एक आश्रम में हो रहे अमानवीय अत्याचार की सच्चाई खुलकर सामने आ रही है, उसे सुनकर मानवता शर्मसार हो रही है। पकड़े गए आरोपी पर आईपीसी धारा 377, 354, 309, 323 तथा बाल अधिनियम कलम 23 के तहत कार्यवाही की गई है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों को कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। हमारे प्रतिनिधि ने जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से पूछा कि अब इन अनाथ बच्चों को कहां रवाना किया जाएगा, तब उनका कहना था कोर्ट जो निर्णय देगी उसे हमें अमल करना है। हमारे समाज का यह घिनौना सच है जो अब खुलकर सामने आ गया है। सोचने वाली बात यह है कि कैसे है ये अनाथों के नाथ। कर्नाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि हम दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर। स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखापरीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिटवर आकर्षक व्याज दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट। कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकरची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबई द्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक, त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत। आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील। माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक। या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार 9:30 ते 5:30 आणि दुपारी 2:30 ते 6:30 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 2745-9111, 2746-2700 आणि 3298-3363। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड, अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुना हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांसा, इंडिगो सीएस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी।
जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा। डी मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट। डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000 पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य कडधान्य ताजा भाजीपाला स्टेशनरी कॉस्मेटिक्स गिफ्ट आर्टिकल्स भांडी प्लास्टिक आयटम फर्निशिंग त्याचबरोबर जेंट्स लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गार्मेंट सुद्धा। डी मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी मार्ट दररोज डिस्काउंट दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी मार्ट प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 9E सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ रोडपाली गाव रोड कळंबोली। डी मार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80 म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी मार्ट जनहिताचा निर्वाळा दैनिक कर्नाळा पनवेल रायगड आणि नवी मुंबई सह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला क्रीडा समाजकारण राजकारण अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। कामोटे सेक्टर 34 स्थित मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में रहने वाले प्रभाकर जाधव के घर में शुक्रवार को एक टमाटर में भगवान गणेश जी के प्रतिरूप के दर्शन हुए, जिसे प्रभाकर जाधव का पूरा परिवार परमात्मा का आशीर्वाद समझ रहे हैं। भगवान के प्रति मन में सच्ची चाह हो तो आपको भगवान के दर्शन किसी भी रूप में हो जाएंगे। कुछ दिन पहले हमने आपको उरण स्थित जय मात्रे के प्लांट पर एक मशरूम में अवतीर्ण हुए भगवान गणेश जी के दर्शन करवाए थे। कुछ ऐसा ही शुक्रवार को नजारा देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भगवान गणेश का प्रतिरूप इस टमाटर में नजर आ रहा है। हालांकि आदमी की नजर चाहिए, वो परमात्मा का प्रतिबिंब कहीं भी देख सकते हैं। हालांकि टमाटर में दिख रहे भगवान गणेश जी के प्रतिरूप के दर्शन कर प्रभाकर जाधव का परिवार काफी खुश है। आमचा भाजीचा व्यवसाय आणि धंद्यासाठी कॅरेज मधून टमाटा काढत असताना माझ्या हाताला अचानक हा टमाटा घावलेला। आपली श्रद्धा असल्यामुळे मी तो बघितला आणि मी त्याची पूजा म्हणून त्या दिवशी म्हणजे कालच आपल्या गणेश चतुर्थी निमित्त मी आपलं त्याची पूजा वगैरे। इतर टमाटे म्हणजे उच्चासारखे असतात आणि हा टमाटा म्हणजे अचानक आपल्या गणपतीचं संपूर्ण आकार चेहऱ्याचा आल्यामुळे त्या हिशोबाने आकार म्हणजे तुम्हाला नक्की कशावरून आवडले की हा भाऊ गणपतीचा आहे नक्की त्याच्या सोंडेवरून इस घटना को प्रभाकर जाधव का परिवार परमात्मा का आशीर्वाद समझ रहे हैं। शिवसुता वंदन तुझ पहिले तू सुखकारक भव भयतारक तू सुखकारक भव भयतारक सगुण रूप पाहिले वंदन तुझ पहिले शिवसुता वंदन तुझ पहिले शिवसुता वंदन तुझ पहिले में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है, पर कितने हैं व्यक्ति जो इको फ्रेंडली मकर या भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। एक नजर इको फ्रेंडली मकर पर।
गणेश चतुर्थी पर पूरे महाराष्ट्र में भगवान गणेश की नैनाभिरा मूर्तियां पंडालों में तथा घरों में विराजमान हो चुकी है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि समाज में कितने व्यक्तियों ने इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां बिठाई है। आज हम आपको एक ऐसे गणेश भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जो हमेशा इको फ्रेंडली भगवान गणेश की मूर्तियां तथा मकर बनाते हैं, जो हर बार आकर्षण का केंद्र होता है। इस बार इस गणेश भक्त ने थ्रेड आर्ट के जरिए मकर का निर्माण किया है, जो देखते ही बनता है। आप भी भगवान गणेश की मूर्ति तथा मकर को देखें, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा गणेश भक्त ने थ्रेड आर्ट के जरिए ही भगवान गणेश को फूल अर्पित किए है। हमारे प्रतिनिधि ने भगवान गणेश के भक्त या यूं कहे थ्रेड आर्ट कलाकार से बात की। मैंने थ्रेड का धागा चूज किया हुआ है, जो एक यूरोपियन कंट्रीज में थ्रेड आर्ट करके फेमस है, स्ट्रिंग आर्ट करके फेमस है। तो वो वहाँ पे वहाँ का कुछ कल्चर अलग है, अपने पास कल्चर अलग है, वो कल्चर को देख के मैंने अपने हिसाब से उसको डिजाइन किया हुआ है। इस बार तकरीबन मुझे 20 से 25 दिन लगे इसको, और तकरीबन 2500 तो मीटर के धागे उसके अंदर यूज किए हुए हैं। इस बार सर के अंदर अगर आप इतना बड़ा मकर लेना भी है, कुछ थर्माकोल का भी लेंगे या फिर किसी इको फ्रेंडली मटेरियल से भी ले लेंगे आप, तो उसमें भी उतना ही कॉस्ट लग ही जाता है। खाली यहाँ पे टाइम देना पड़ता है, दैट्स इट। रात को लेट नाइट काम करके उसके वजह से कम्प्लीट करते हैं। कम से कम कितना समय लगा इसको, कितने घंटे लगे बनाने के लिए? कंटिन्यूस 20 दिन तो नहीं है, एवरी आवर्स एवरी डे दो घंटा में देते गया, और लास्ट के कुछ दिनों में खाली दो मतलब एक्स्ट्रा 3-4 घंटे देके तो मैंने उसको कम्प्लीट किया हुआ। आप ये अकेले कर दोगे? आपका नहीं, पूरा फैमिली है, फैमिली के साथ मेरा भाई भी है, हम लोग पूरा साथ में कर लेते हैं। सब लोग मिलके मिलके करते हैं। आपने सुना कि इस प्रकार की खूबसूरत मकर बनाने की प्रेरणा इन्हें भगवान गणेश से मिली है। आपकी भी लगन सच्ची हो और कोई नेक काम करना चाहते हो तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि आपकी भी प्रेरणा भगवान गणेश बने, बस जरूरत है सच्चे दिल के साथ शुरुआत करने की। कर्नाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। नेरुल स्थित शिरवने गांव में एक ज्वेलर्स को दो ठगों ने मिलकर हिप्नोटाइज कर सोने के माल पर अपना हाथ साफ कर दिया, लेकिन पुलिस ने दो में से एक आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आखिर क्या है पूरा मामला, देखते खबर विस्तार से। नेरुल शिरवने स्थित एक ज्वेलर शॉप के मालिक की आंखों में धूल झोंक कर ठग 60,000 रूपए के सोने की चेन लेकर भागने में कामयाब हुए। ठगों ने बड़े ही निराले अंदाज से ठगी के वारदात को अंजाम दिया, जिसे सुनकर आप ठग के चतुर बुद्धि पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नेरुल शिरवने स्थित मिलन ज्वेलर्स नाम से एक स्वर्णकार विक्रेता की दुकान है, जहाँ दो लड़के आए और उन्होंने स्वर्णकार से कहा कि हमें सोने की दो चेन दिखाइए। स्वर्णकार ने दो सोने की चेन निकालकर ग्राहक के सामने रखी। इतने में ग्राहक का कहना था, हम इसके पहले भी आपके दुकान में आ चुके हैं, और उसने अपना चश्मा निकालकर स्वर्णकार से कहा कि मुझे नहीं पहचाना। उसके बाद उसने स्वर्णकार से नजर मिलाई, नजर मिलाना ही स्वर्णकार को भारी पड़ा। उसके बाद जो हुआ वो सुने स्वर्णकार की जुबानी। दो लोग आए थे, हाँ जी, एक दोनों भाई बन के आए थे और मेरे से चेन निकालने के लिए बोला है 13-14 ग्राम का। हाँ, तो मैंने दो चेन दिखाया था। हाँ, दो चेन दिखाने के बाद उसका प्राइस बताया था। प्राइस बताने के बाद में दोनों का प्राइस बोलने के बाद में
एक ही बोला मेरा भाई है उसका बेटा के, फिर मेरे से पूछा, मैं पहले भी आया हूँ तो मेरे को चश्मा निकाल के देखो, मेरे को देखने के लिए बोला था आग आग। मैं देखने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया, दस पंद्रह मिनट कंफ्यूज हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको हिप्नोटाइज कर दिया गया, ऐसा कुछ हुआ? हाँ ऐसा ही शायद, ऐसा ही लग रहा है। मैं खुद भी पहले इसमें मानता नहीं था, जब हमारे ऊपर बीत गई तब मैं मानने लगा। कम से कम 28 ग्राम की चेन है, 60-70 हज़ार की चेन है दोनों। वो कुछ स्टार्टिंग में वो जाने भागने की फिराक में नहीं था, और बाद में हम लोगों ने 10-15 मिनट के बाद हमारा एकदम वापस दिमाग क्लियर हो गया, तो हमने उसको बैठा के पकड़ा। अच्छा। वो ऐसा बांधने के हमको बोला, बांध के दो, ऐसा हमने बांध के दिया। हम उससे पैसा भी नहीं मांग सके, ऐसा इम्प्लॉयमेंट हमने हमको किया। दोनों जैसा उसने बोला वैसा हमको दोनों बांध के दिया, पैसा भी मांगा। वो चल सकता बना, 10-15 मिनट के बाद में हमको मालूम पड़ा कि ऐसा हमारे पास बीत गई, हमारा नुकसान हो गया। तभी हमको ने दूसरा आदमी को बैठा के रखा, फिर हमने पूरा ट्राई किया। हम आपको ठग की करतूत बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक युवक सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन प्रमुख आरोपी पुलिस तथा ज्वेलर्स के पकड़ से कोसों दूर है। प्रमुख आरोपी एक युवक को अपना भाई बनाकर मिलन ज्वेलर्स के शॉप में ले गया। उसने सोने की चेन को अपने पास रखा और दुकानदार से कहा कि मैं मेरे माँ को सोने की चेन दिखा कर आता हूँ। उसके बाद वो नहीं लौट के आया, लेकिन जो युवक मिलन ज्वेलर्स में बैठा था वो पहुँच गया सलाखों के पीछे। गिरफ्तार आरोपी तथा फरार आरोपी के विषय में नेरुर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजकुमार चाफेकर ने विस्तृत जानकारी दी। दिनेश जैन नाम के एक ज्वेलर्स है, जिनका मिलन ज्वेलर्स करके सेक्टर 9 में एक ज्वेलरी शॉप है। उनके पास 24 तारीख के सुबह दो लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारे माँ के लिए हमको चेन लेना है। वैसे जो मेन आरोपी है जिससे फरार हो गया है, वो 2-3 दिन पहले भी आके उसकी इंक्वायरी करके आया और बोला मैं सिरोने गांव में रहता हूँ, ऐसा बोल के उसने ऐसा दिखाया कि मैं लोकल हूँ। और 23 तारीख को उसके साथ एक आदमी को लेके आया जो उसका भाई है, ऐसा उसने बताया। और फिर उसने बोला कि मुझे चेन चाहिए, मुझे माँ के लिए चेन खरीदना है। और उसने वो चेन पसंद की और उसने बोला मैं भाई को बिठाता हूँ, माँ को चेन दिखा के आता हूँ। ऐसा करके वो चेन दोनों चेन लेके गया और फिर वापस नहीं आया। इस तरह के उन्होंने उसको चीट किया। उसके बाद में नेरुर पुलिस में मामला दर्ज कर दिया है 302/11 के तहत, IPC 420/34 के तहत मामला दर्ज किया। हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति आपको संदिग्ध लगे ऐसे अजनबी व्यक्ति के फेर में ना पड़े, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि अब तक नवी मुंबई में कई व्यक्तियों को हिप्नोटाइज कर ठगी के वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। थोड़ा सतर्क और चौकन्ना रहे ताकि कोई ठग आपके साथ ठगी ना कर पाए। कैमरामैन किरण पाटिल के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं खास खबरों पर। गणेश उत्सव की मची है धूम, श्रद्धालु कर रहे हैं बापा के मनोभाव से पूजा। रमाबाई मुक्ति मिशन के 2 केयर टेकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाल अधिनियम कलम 23 के तहत की गई कार्रवाई। ज्वेलर्स को झांसा देकर ठगों ने उड़ाया 60,000 रुपयों का सोना। और कलमबोली में लगी एक गोडाउन में आग, 8 दमकल की गाड़ियों का आग बुझाने का प्रयास। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय या सुझाव हो या आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 2745-7338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।